يا مركز النور فيك الإقاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإقاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك بسم الله الرحمن الرحيم। मोहतरम सामेईन हजरात, आज का उन्वान है एक रोज़े का बदला। हज़रत अबू मसूद गिफारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के चांद नज़र आने पर यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक की क्या हकीकत है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। फिर कबीले खिज़ाअ के एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बारे में हमें कुछ बतलाइए। आपने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के लिए जन्नत शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमज़ान शरीफ का पहला दिन होता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिससे जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलने लगते हैं और हूरें अर्ज करती है, ए हमारे रब, इस मुबारक महीने में हमारे लिए अपने बंदों में से कुछ शोहर मुकद्दर कर दीजिए जिनसे हम अपनी आंखें ठंडी करें और वो हमसे अपनी आंखें ठंडी करें। उसके बाद फिर आपने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखेगा मगर ये बात है कि उसकी शादी ऐसी हूर से कर दी जाती है जो एक ही मोती से बने हुए खेमे में होती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, यानी हूरें खेमों में रुकी रहने वाली। इन औरतों में से हर औरत के जिस्म पर 70 किस्म के लिबास होंगे जिनमें से हर लिबास का रंग दूसरे लिबास से मुख्तलिफ होगा और इन्हें 70 किस्म की खुशबू दी जाएगी जिनमें से हर इत्र का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होगा और इनमें से हर औरत की खिदमत और ज़रूरत के लिए 70,000 नौकरानियाँ और 70,000 खादिम होंगे। हर खादिम के साथ एक सोने का बड़ा प्याला होगा जिसमें कई किस्म का खाना होगा और वो खाना इतना लजीज होगा कि उसके आखिरी लुकमे की लज्जत पहले लुकमे से कहीं ज़्यादा होगी। और उनमें से हर औरत के लिए सुर्ख याकूत के तख्त होंगे, हर तख्त पर 70 बिस्तरे होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और हर बिस्तरे पर 70 गद्दे होंगे और उसके खाविंद को भी इसी तरह के सब कुछ दिया जाएगा और वो मोतियों से जड़े हुए सुर्ख याकूत के एक तख्त पर बैठा होगा। उसके हाथों में 2 कंगन होंगे। यह रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़े का बदला है, ख्वाह जो शख्स भी रोज़ा रखे। रोज़ादार ने रोज़ा के अलावा जो नेकियां और आमाल सालेहा किए हैं उनका अजर व सवाब उसके अलावा है। मस्कूरा सवाब सिर्फ रोज़ा रखने का है। रमज़ानुल मुबारक में 70 गुना सवाब हासिल करने और जबर व गमखारी का महीना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, यकीनन तुम पर एक बड़ी अजमत वाले महीने ने साया किया है। यह हर बरकत वाला महीना है। इसमें एक रात ऐसी है कि उसके अंदर इबादत करना 1,000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोज़े फ़र्ज फरमा दिए हैं और उसकी रातों में नमाज अदा करना नफल और सुन्नत करार दिया है। जो शख्स इस माह में किसी नफली नेकी के ज़रिए हक ताला की नज़दीकी चाहेगा वो इस शख्स जैसा सवाब हासिल कर लेगा जिसने रमज़ान के अलावा किसी महीने में फरीज़ा को अदा किया हो।
और जो शख्स इस माह में फरीजा अदा करे वो सवाब में उस शख्स जैसा होगा जिसने माह रमज़ान के सिवा किसी दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा किए हों। और माह रमज़ान वो महीना है कि उसमें सब्र करना पड़ता है, नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोका जाता है और सब्र करने का सवाब जन्नत है, इसके बदले में बहिश्त मिलेगी। वो ऐसा महीना है कि उसमें मोहताजों और भूखों की माल और जान के साथ गमखारी करनी चाहिए। और ये ऐसा महीना है कि इसमें मुसलमानों का रिस्क ज़्यादा और उसमें बरकत दी जाती है। और चूँकि इस माह में गमखारी और मुवासात यानी खैर ख्वाही का हुक्म किया गया है, यह भी फ़कीर और मोहताजों के रिस्क में वसअत और ज़्यादती का सबब है। अल्लाह तबारक व ताला हमें रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़े के बदले में पूरा पूरा सवाब अता फ़रमाए। आमीन।